नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की पेपर की चर्चा करेंगे। इसमें साइकोलॉजी का ये 24 तारीख को मॉर्निंग का पेपर हुआ था। 24 तारीख को मॉर्निंग का पेपर है, ये शिफ्ट थर्ड का पेपर है, जिसमें कुछ बोनस प्रश्न है। बोनस प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बोनस प्रश्न है, इसमें कुछ प्रश्न है जिनके आंसर सही नहीं आ रहे हैं, तो उस बोनस प्रश्न है इसमें चर्चा करें। इसकी अगर कंप्लीट आंसर की बात करें, अगर कंप्लीट आंसर की है, ये इसके चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो उसमें आप वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट आंसर की का। लेकिन इसमें अगर बोनस प्रश्न की बात करें, तो इसमें अगर पहले नंबर पर बोनस प्रश्न की चर्चा करें, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ये ए सीरीज़ का पेपर है। ए सीरीज़ का 7 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट जेस्टनबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसमें अगर बात करें, तो इसमें सी ऑप्शन सही आना चाहिए। लेकिन सी ऑप्शन की बात करें, इतनी आई एम में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, टी आर के लिखा है। इंग्लिश के हिसाब से तो सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि स्टनबर्ग के द्वारा टी आर की सिद्धांत दिया गया था। लेकिन अगर हिंदी में इसमें अनुवाद होता, तो हिंदी में यहाँ तो यह होता त्रितंत्र होता या त्रिचापी का सिद्धांत होता, तब तो स्टनबर्ग होता। लेकिन ये त्रिआयाम में लिखा है, तो त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयाम का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने दिया था। तो इसका नहीं, ये प्रश्न बोनस होने की संभावना है। ये प्रश्न क्या हो सकता है? बोनस हो सकता है, बोनस हो सकता है, ये प्रश्न बोनस हो सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है जो बोनस होने की संभावना है? तो इसी पेपर में अगर देखते हैं आगे, एक ये विकृति अधिक में समता का प्रश्न दे रखा था। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये 11 नंबर प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि कौन सी विकृति अधिक में समता का एक प्रकार है। तो इसमें ADHD भी इसमें आंसर हो सकता है, और डिसलेक्सिया दोनों ही एक ही प्रकार की मतलब अधिक में समता है। तो इसमें सबको बोर्ड कौन सा प्रश्न मानता है, बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि ये कौन सा ऑप्शन सही मानता है, या इस प्रश्न को क्या कर देता है, बोनस कर देता है। ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि बोर्ड इसको क्या मानता है। लेकिन दोनों ऑप्शन में से जहाँ तक एक ज़्यादा संभावना की बात करें, इसी ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन वो ए ऑप्शन की भी अपन इसको मतलब बी ऑप्शन को भी गलत नहीं कह सकते। तो इसमें बोर्ड कौन सा निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेता है, इसको सही करता है, इस पर बोर्ड पर निर्भर करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, तो अगर इसी में एक आगे प्रश्न एक प्रश्न दे रखा था, इस सी सीरीज का ए सीरीज का पेपर है। इसमें ए सीरीज में ये 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य कौन है, सा है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य की बात करें, तो इसमें क्रियाविधि भी हो सकता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, और नैदानिक भी हो सकता है। इसमें जहाँ तक अगर सही बात करें, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन दोनों में से बोर्ड ने जहाँ तक कि 2021 में क्वेश्चन आया था, 2021 रीट में क्वेश्चन आया था, उसमें ए क्रियाविधि था, दोनों ऑप्शनों को सही माना था। इसमें बोर्ड क्या करता है, दोनों ऑप्शन को सही मानता है या बोनस देता है, ये इस बोर्ड पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक ये क्वेश्चन भी बोनस होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी बोनस हो सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन था जो साइकोलॉजी का, इसमें बोनस होने की संभावना। ये 23 तारीख का, ये 24 तारीख का सुबह का पेपर है, मॉर्निंग का पेपर है, शिफ्ट थर्ड का पेपर है, शिफ्ट थर्ड का पेपर की क्वेश्चन है। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं एक आगे, इसमें और तो कौन सा है कि ये 29 नंबर प्रश्न दे रखा है। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, जींस का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, इसमें कोई कहा जाता है, ये मतलब बायो से संबंधित क्वेश्चन आ गया। लेकिन बायो है साइकोलॉजी में दे रखा। इसमें अगर बात करें, ये अनुवंशिकी से संबंधित प्रश्न आ गया। इसमें लिखा है कि जींस का जो विशेष गुणसूत्र के विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है, तो इसके अनुसार तो देखें तो इसमें आता है एलिस, इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर समान गुण की बात करें, समान गुण की बात करें, इसमें ऑटोसोम सही आ रहा है। अब इसमें से बोर्ड कौन सा ऑप्शन सही मानता है, ये बोर्ड पर निर्भर करता है कि बोर्ड कौन सा ऑप्शन सही मानता है। ये प्रश्न भी बोनस होने की पूर्ण संभावना है, पूरी संभावना है, ये प्रश्न बोनस हो सकता है। इस तरह अगर बात करें, अगर 24 तारीख की मॉर्निंग का पेपर है, इसमें से साइकोलॉजी 4 या 5 प्रश्न बोनस हो सकते हैं, 4 या 5 प्रश्न बोनस होने की संभावना है। ये 24 तारीख का, ये 24 तारीख का मॉर्निंग का पेपर है, शिफ्ट थर्ड का पेपर है, शिफ्ट थर्ड का पेपर है। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन बोनस होने की संभावना है, 4 या 5 क्वेश्चन बोनस हो जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन बोनस होंगे। आपने इस वीडियो में हमने 4 या 5 क्वेश्चनों, 4 और 5 क्वेश्चनों का आपने देखा। अब देखते हैं बोर्ड क्या आंसर मानता है, तो इसमें बोर्ड पर निर्भर करता है। आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।